तो दोस्तों इजी ट्रिप प्लान है जिसको इजी माई ट्रिप के नाम से भी जाना जाता है, कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया गया, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझा रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में 124 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, पिछले साल 108 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 141 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 30% के आसपास का जंप आपको देखने मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 91.5 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 73 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे मात्र 80 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो यहाँ देखिए कंपनी के रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है क्वार्टर क्वार्टर, लेकिन यहाँ पे कंपनी के जो खर्चे हैं वो पिछले क्वार्टर से बहुत कम आपको देखने को मिले, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 26 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 28 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 47 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। जी हाँ, 47 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक बड़ी तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 70% के आसपास का जंप आपको देखने मिला साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर तो अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है बड़े मैसिव अमाउंट में जंप होता हुआ देखने को मिला है। EPS की बात करें, पिछले क्वार्टर में 15 पैसे का था, पिछले साल 16 पैसे का, अभी देखें तो 27 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर बहुत शानदार कंपनी के द्वारा दिए गए। शेयर पिछले कुछ समय से चल भी नहीं रहा है, आज शेयर के अंदर तेजी देखने को मिली, तो हो सकता है इस नंबर के बाद शेयर के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।